हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग 93 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम अरवी की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1/2 kg अरवी को बॉईल कर ले लिया है। यहाँ मैंने इसमें 2 से 3 सीटी में इसको बॉईल किया है अच्छे से। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसको हल्का हल्का कट लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये अंदर तक अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ इन सब में मैंने अब कट लगा लिया है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको मिला लेंगे, ताकि हमारी जो अरवी जब फ्राई हो तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर आए और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। अब यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और अपनी इन मिक्स अरवियों को इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। यहाँ इसको 2 से 4 मिनट तक चला चला कर इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे, पलट पलट कर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ हमारी अरवी फ्राई हो गई है। 4 से 5 मिनट हमने इनको फ्राई किया है। अब इन्हें निकाल लेंगे और जिस ऑयल में हमने यहाँ पर अरवी फ्राई की है, इस ऑयल में थोड़ा सा मसाला रह गया है, तो हम इसको छानकर दोबारा से अपनी सब्जी के लिए यूज़ कर लेंगे। यहाँ अब मैंने अपने ऑयल को छानकर और गरम कर ले लिया है। ये अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे को अच्छे से भुनेंगे। ज़ीरा अच्छे से भुनने के बाद इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर हमने लिया है, उसको डालेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर हमने पेस्ट डाला है। इसे अच्छे से पकाएंगे और पकने के बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का दरदरा पेस्ट लिया है, उसको यहाँ पर हम डालेंगे। अब इस प्याज के पेस्ट को भी हम अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से भुन जाए। 2 से 4 मिनट तक इसी तरीके से इसको चला चला कर अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो अच्छे तरीके से भुन गई है। अब हम इसमें टमाटर, 2 टमाटर को हमने यहाँ पर बारीक काट कर ले लिया है, उसको इसमें डालेंगे। ये हमारे मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे अपने, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे और इसके कलर को और बढ़ाने के लिए यहाँ थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। इन सबको डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हमारा जो टमाटर है उनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और पक भी गया है। अब इसमें हम 1/2 कटोरी दही डालेंगे। यहाँ पर जो हम दही डालेंगे वो अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर डालेंगे। चलती गैस पर अगर हम दही डालेंगे तो गर्म मसाला होने की वजह से हमारी जो दही है वो फटने का डर होता है। अब लगातार इसको चलाते रहेंगे हमारी दही अच्छे से मिक्स होने तक मसाले में। यहाँ पर हम इस मसाले में को जब तक चलाएंगे जब तक हमारी दही ऑयल सेपरेट ना कर दे, अच्छे तरीके से मसाला ना पक जाए। यहाँ पर हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हमारा मसाला पकते 2 मिनट हो गए हैं, खोलकर देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पर मसाला पक चुका है। अब इसमें हम अरवी डालेंगे, जो अरवी हमने फ्राई कर ली थी उनको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी का यूज़ किया है। अच्छे से मिलाएंगे और इसको हम अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो अरवी में अच्छे तरीके से चला जाए। यहाँ हमारी अरवी को पकते 5 मिनट हो गए हैं, खोलकर देखेंगे हमारी दम अरवी बनकर रेडी है। इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, धनिया डाल देंगे। इस तरीके से बनाई दम अरवी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे पराठों के साथ खाइए, इसे रोटी के साथ खाइए या चावलों के साथ, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर ये रेडी होती है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी
कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आगे मैं आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।